सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष राव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस एडिटिंग अगर आप भी करना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ है मैंने मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, देन उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस हर बार मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ तो आपको आसानी होगी वीडियो मटेरियल से डाउनलोड करने में। तो चलिए हम चलेंगे फोन का स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, न्यू वर्जन का काइन मास्टर जो मैं यूज करता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप आसानी से न्यू वर्जन काइन मास्टर डाउनलोड कर पाएंगे जो कि मेरे वेबसाइट पर अपलोड है या फिर टेलीग्राम से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते फोन का स्क्रीन पर, ओपन करेंगे काइन मास्टर एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते फोन का स्क्रीन पर। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया था ना, क्रिएट न्यू का ऑप्शन आप देख पा रहे हो तो इस पर सिंपली टैप कर लीजिए। टैप करने से 16 होकर ऐसे सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में टैप कर दीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर से यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना, बैकग्राउंड वाला जो इमेज है इसे सेलेक्ट कर लेना, इसके लेंथ को लेकर उतना टाइम कर लेना जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। फिर इसके बाद स्टार्टिंग में राइट क्लिक कीजिएगा, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम देगा फ्रेंड्स। मीडियम देने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में चले जाना है। जो मटेरियल आपने डाउनलोड किया वहाँ से सबसे पहले इस वाले मटेरियल को ले लीजिए। लेने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए सेचुरेशन आपको दिखेगा, यहाँ पे सेचुरेशन -100 कर दीजिए, देन इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे आप नीचे की तरफ ले लीजिएगा, जहाँ पे भी आप रखना चाहे तो रख लीजिएगा। रखने के बाद यहाँ से बैक आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर टैप कीजिए। टैप करने से स्क्रीन कर दीजिए, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा, देन लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा ऑफेंस। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना ऑफेंस। यहाँ पे जो ये वाला इमेज मैंने आपको दिया है इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स, इमेज नहीं वीडियो ही है तो ये वाला आपको ले लेना है, और जो भी है 30 सेकंड तक है तो आप जितना टाइम का बनाना चाहते हो उतना कर सकते हैं। और फिर इसे क्या कीजिएगा, इस तरह से हल्का सा जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद यहाँ पे इसे सेट करेंगे इस तरह से। करने के बाद फ्रेंड्स नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग का ऑप्शन टैप कीजिएगा और इसे भी यहाँ पे स्क्रीन कर देना और राइट क्लिक कर लेना। इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में फ्रेंड्स लेयर्स पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद यहाँ पे आपको एक PNG इमेज ले लेना है। जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं, जिस मॉडल पे एडिटिंग करना चाहते हैं उस इमेज ले लीजिएगा, और फिर इस तरह से स्क्रॉल करके इसके लेंथ को आगे तक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स करने के बाद यहाँ पे मेरा दूसरी साइड में घुमा हुआ है इमेज, तो मैं सबसे पहले इसे रोटेट एडिटिंग पर जाकर इसे रोटेट करता हूँ। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद क्रॉपिंग पर जाएंगे, और जो यहाँ पे हैंड देख पा रहे थे क्रॉप हुआ पड़ा है तो इसे हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, देख सकते हैं आप जैसा कि मैंने कर दिया। फिर राइट क्लिक कीजिएगा, इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से हल्का सा रोटेट कर लेंगे जैसे कि फेस यहाँ पे नीचे की तरफ आए, और फिर इसे इस तरह से जूम करेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से मैं इतना पे इसे रखने वाला हूँ, हल्का सा जूम आउट करते हैं यहाँ पे। अब थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे सेंटर बैक कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। दिखने इस तरह से आपको नीचे करना है, एडजस्टमेंट में जाना है, यहाँ पे हल्का सा सेचुरेशन इसका भी डाउन कर दीजिएगा, आप एडजस्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसे सेचुरेशन जो इसका डाउन कर दिया, और कंट्रेस्ट हल्का सा बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हल्का सा ब्लैकनेस बढ़ जाएगा, और फिर ब्राइटनेस भी देख लेते हैं तो ब्राइटनेस सही है, इसे 0 ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे वाइब्रेंस भी आप देख लीजिए तो वाइब्रेंस थोड़ा सा कम कर देते तो इस तरह से अच्छा लग रहा है देखने में। इसका टेम्परेचर 0 रहने देते हैं, और यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद अल्फा ओपेसिटी में जाएंगे और इसका ओपेसिटी जो इस तरह से कम कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, स्टार्टिंग में जाना, लेयर्स का ऑप्शन टैप करना है, मीडियम जाना है, ऑफ्रेंस मीडियम जाने का, दूसरा जो इमेज आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं तब तक के लिए इस वाले इमेज को लेता हूँ। इमेज को लेने के बाद इसे छोटा करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे इस फ्रेम के बीचों बीच लेकर रखेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और इसे सेंड बैकवर्ड कर देंगे तो फ्रेम के नीचे चला गया। अब इसके लेंथ को भी स्क्रॉल करके आपको लास्ट तक कर देना। करने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एडजस्टमेंट में जाइएगा और इसका टेम्परेचर जो हल्का सा डाउन कीजिएगा और सेचुरेशन भी डाउन कर दीजिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ क्रॉपिंग में चले जाइए और इस लाइन के बराबर में आपको क्रॉप कर लेना है एकदम परफेक्ट, इसी तरह से जितना पे लाइन है उतना पे इसे रख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है यहाँ पे।
ये रहा थोड़ा सा और ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब इसको स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है, रेड लाइन जो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम स्टार्टिंग में लेकर आ जाइएगा। लेयर्स के ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाएगा और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद आप अपना जो मॉडल इमेज लेना चाहते हैं एक्सटेंडेड वाला तो इसे ले लीजिएगा, मतलब खड़ा इमेज जो होगा उसे ले लीजिएगा, ये अच्छा लगेगा इस तरह से। तो मैं यहाँ पर तब तक के लिए इसे रख देता हूँ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर देंगे, करने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल कीजिएगा एडजस्टमेंट में जाइएगा, इसका भी सैचुरेशन आपको हल्का सा डाउन कर देना ताकि इस तरह से दिखे। और यहाँ पे आपको हाईलाइट्स में जाकर इसे थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देना जैसे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। अभी आपको स्टार्टिंग में है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में लेयर्स का ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाएगा और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। सो गाइस डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे ये वाला वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया, तो इस वीडियो को ले लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, इसे टैप करके इसे फुल स्क्रीन कीजिए, देन यहाँ से बैक आइएगा। बैक आने के बाद एडजस्टमेंट पे जाइएगा और यहाँ से सैचुरेशन में जाकर इसका सैचुरेशन आपको डाउन कर देना है, देन यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग पे चले जाना है और फ्रेंड्स ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पे इसे स्क्रीन कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब आपको फिर से इस रेड लाइन को स्टार्टिंग कर लेना है, लेयर्स का ऑप्शन टैप करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में चले जाना है। सो गाइस डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे एक तो वीडियो और आपको स्मोक वाला मिला था, इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करना नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, देन इसे फुल स्क्रीन कीजिए, यहाँ से बैक आ जाएगा। बैक करने के बाद नीचे तरफ स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, स्पेशली टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन कर दीजिएगा और यहाँ से बैक आइएगा। बैक करने के बाद राइट क्लिक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी वीडियोज आप लगाएं सभी का साउंड यहाँ पे म्यूट कर दीजिएगा, हो सकता है किसी में भी साउंड हो तो आपकी जो सॉन्ग आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसका जो वीडियो खराब हो जाएगा। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो और काफ़ी कमाल का लग रहा है, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। और फ्रेंड्स एक सॉन्ग की यहाँ पे जरूरत है, उससे पहले एक और काम कीजिएगा फ्रेंड्स, लेयर्स का ऑप्शन टैप कीजिएगा, यहाँ पे हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन है इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद सबसे पहले तो इसे स्टार्टिंग में कर लेते हैं इस तरह से स्क्रॉल करके इसे, और फिर इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर ये सबसे पहले तो ब्रश आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड नंबर वाला, फिर यहाँ पे कलर आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ये साइड में जो देख सकते हैं ब्रश का ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करके सेकेंड नंबर वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है कि यहाँ पे एक लाइन बन जाए जैसे आप देख सकते हैं, बस एक लाइन आपको बना लेना है। सीधा बनाइएगा तो एक ही बार में काम चल जाएगा, मेरा टेढ़ा हो गया इसकी वजह से मैं इस पर रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सीधा हो जाए, ठीक है। तो अब ये सीधा लग रहा है यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद इसे सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसे जूम कीजिएगा, ओह सॉरी ये तो कहाँ चला गया, ये आगे चला गया थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स इसे इस तरह से जूम कर लीजिए जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। करने के बाद एकदम सीधा से रखिएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे लेकर आइएगा और इसे इतना पे थोड़ा और नीचे जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे सेंड बैकवर्ड करेंगे, फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड करेंगे और यहाँ पे पार्टिकल के नीचे चला गया, अब सही लग रहा है। इसे एक बार थ्री डॉट पर क्लिक करके और सेंड बैकवर्ड करते हैं, अब सही लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके लेंथ को स्क्रॉल करना है और लास्ट तक कर देना है। करने के बाद स्क्रीन पर टैप कीजिए, अब इसे प्ले करके आप देख सकते हैं ये काफ़ी कमाल का लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसे यहाँ पे एक सॉन्ग की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स आपको सिंपली सॉन्ग ले लेना है, तो ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा और जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं इसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये शॉर्ट डायलॉग है तो मैंने इसे ऐड कर दिया और ये छोटा भी है, तो इसी तरह से आपको ऐड कर लेना, राइट क्लिक करना है, ये वाला ऐड हो तक इस पर टैप करना है, टैप करना सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपको फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।